हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी एक ट्रेलर देखे क्लोज, नॉमी राफेज, स्टारिंग नॉमी राफेज, सोपी नेलेसे और डायरेक्शन इन यहाँ पे विक्की जेसन का। तो ये एक स्टोरी है अबाउट असैसिनेशन और उसमें जो पूरे सीक्वेंसेस ऐड होते जाते हैं उससे रिलेटेड, और उसमें जो असैसिनेशन, जिसका असैसिनेशन होने वाला है, जिसको जिसके साथ ये पूरी एक्ट होने वाली है, उसको सेव करने के लिए एक दूसरे प्रोफेशनल को हायर किया जाता, प्रोफेशनल एजेंट को हायर किया जाता है, जो नॉमी राफेज ने यहाँ पे प्ले किया है। नेटफ्लिक्स तो सुपर मूवीज़ ला रहा है, डिफरेंट कंसेप्ट है नेटफ्लिक्स के, टोटल डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट आ रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी इनकी सुपर्ब रहती है, हर एक मूवी में हमने देखा जो शॉर्ट्स लिए जाते हैं वो सुपर्ब रहते हैं। लेट्स वॉच द ट्रेलर, और ट्रेलर देखने के बाद में मैं बताऊंगा इसके बारे में। और your father's will are explicit, that you take an active role in the company. The shares, how much are they worth? We need to assign you a new close protection officer. Am I supposed to know who you are? Sam, nice to meet you. You should know there's been a recent increase in kidnap and ransom. You're a great company. I've decided to proceed. Report only to me, understood? ओके, जो ट्रेलर से यहाँ पे पता चल रहा है, ऑब्वियसली जो सोफी नेलिस ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक रिच ऑयल कंपनी के जो ओनर है उनकी बेटी का इसमें कैरेक्टर रोल किया प्ले किया गया। किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जो मेन जिसका ये एम्पायर है, उसके बाद में ये जो शेयर्स है ये पूरा इनका प्रॉपर्टी हो किस में डिवाइड होगा, एक तो इनके बीच में और जो उनकी दूसरी वाइफ है रीमा बोल के उनके बीच में। सो इसमें ये मूवी स्टार्ट बिगनिंग यहाँ से करती है। और नेक्स्ट कम्स जो नॉमी राफेज का रोल आता है, वो इनको बचा के एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने वाले एजेंट का काम, ऑफिसर का काम यहाँ पे कर रही है। उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जो लोग इनको मारने के लिए आने वाले हैं वो इनके पीछे लग जाते हैं। फिर ये पूरा कौन ये करवा रहा है उससे और ट्विस्ट एंड टर्न इस मूवी में आती है। एक चीज़ मैं इस मूवी के बारे में बताऊँगा, सिनेमेटोग्राफी इसका जो मतलब जो नेटफ्लिक्स का है ना, मैं मूवीज़ में उनकी देख रहा हूँ ना, वो लोग ऐसी क्या बोलेंगे उसको, सीन्स उसके बाद में ऐसे लैंडस्केप चूज़ करते हैं, जो कैसल रहेगा इसमें भी कैसल दिखाया गया है, अरेबियन कंट्री है वहाँ पे कैसल है, वो किस तरह से गार्डेड है, वो जो थीम है इनका क्लासिक है ना, वो सुपर्ब रहता है। वहाँ पे ही वो लोग
90-95% पब्लिक को कैप्चर कर लेते हैं, एंगेजिंग हो जाता है वो जो देखते हैं ना हम लोग, वो टोटल एंगेजिंग हो जाता है। और इसमें मैं और एक ऐड करूँगा, IGI गेम के बारे में बहुत पहली बार भी बोला है, इसके पहले भी, IGI गेम जिसने खेली है ना उसको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि जो जिस तरह का इसका थीम है ना, हाँ, IGI में जो जेंट्स रहता है, बस यहाँ पे एक लेडी है, नॉमी रेपेज ने वो रोल प्ले किया है, उस सेम वो मूवी के जैसे लगता है। एक मिशन दिया गया है, उसको कंप्लीट करना है, उस मिशन में क्या क्या ट्विस्ट टर्न्स है, ऐसे ही लगता है। हाँ, अब ये बात होगी कि यहाँ पे रियल ह्यूमंस है तो इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद में वो उनसे क्लोज हो जाती है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में स्क्रीन प्ले है, फिर उसके बाद में अच्छे एक्शन सीन्स हैं, एंडिंग में थोड़ा सा, मतलब सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के बाद में थोड़ा सा ऐसा बोरिंग डल सा लगता है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट इशू। ज़रूर देखने जैसी मूवी, वन टाइम एंजॉयबल है, डू वॉच इट, जो चेक इट आउट एंड या एंजॉय इट। मूवी तो मैंने देखी है, उसके बारे में मैंने बोल दिया, अभी स्पेशल से बड़ा वाला रिव्यू इसका बनाने का ऐसा कुछ ये नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया। सो डू वॉच इट, हैव फन एंड एंजॉय, क्लोज मूवी ऑफ सोफिनेलिस, डायरेक्टेड बाय विक्की जेसन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका ओपिनियन, आपने ये मूवी देखी है नहीं देखी है, आपको कैसी लगी है, आपका क्या व्यू है इस मूवी के बारे में, नेटफ्लिक्स आप देखते हो क्या, अगर देखते हो तो उसमें क्या देखते हो, क्या बेस्ट आप लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे लगा अच्छा उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, उसके बारे में बात करूँ, मैं तो पक्का उसके बारे में स्टडी करके अच्छा खासा वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। Have a nice day. Have a great day. Peace. Take care.